पटना हवाई अड्डे पर तीन नेता आपस में ही भिड़ गए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर कहा कि अब की बार 400 पार फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, इस बार जुमले का जो पहाड़ था जनता ने दहाड़ दिया है, चारों सीट पर हमारा कब्जा होगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो लाखों मतों से जीतेंगे। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो ऑर्डिनेंस को फाड़ कर लालू जी को सड़क पर ला दिया है। राहुल गांधी ही ऐसे नेता हैं जो लालू जी को मुखिया तक बनने नहीं दिया। वही पहले चरण के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी फ्लॉप है। इसका समर्थन मुकेश सहनी करते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर यह सही है, जिस प्रकार से कल वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इससे साफ पता चलता है कि भाजपा का हवा निकल चुका है और लोग समझ चुके हैं कि अब की बार मोदी चक्कर में नहीं रहना है। काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। इनका जो फिल्म था 400 पार का, ये फर्स्ट फेज में ही पहले दिन ही जो है सुपर फ्लॉप हो चुका है। तो इस बार जो इनका जुमलों का जो पहाड़ था जनता ने दहा दिया है। चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं और आने वाला भी जो फेज है उसमें भी अच्छी पोजीशन है। अभी राहुल गांधी जा रहे हैं, एकदम ललन सिंह जी एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो लाखों मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन आज वैसे नेता बिहार आ रहे हैं जिस नेता ने लालू प्रसाद जी को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद जी को आज सड़क पर खड़ा करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी बदल गया है, बीजेपी के विपरीत जो है हवा चली है। नहीं, निश्चित तौर पे ये सही है, जो जिस हिसाब से कल वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा का कहीं ना कहीं हवा निकल चुका है। और उन लोगों के लोगों में ही कह रहे हैं कि भाई अभी मोदी जी के चक्कर में नहीं रहिए, आप लोग कार्यकर्ता काम कीजिए। तो और जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो मान लीजिए कि सरकार के फिर से बनाने के लिए लोग उत्साह नहीं है और सरकार गिराने के लिए लोग रेडी है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट कल का हम लोगों को जानकारी मिला, खुशी प्राप्त हो रहा और भी मजबूती से हम लोग प्रचार प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी हाँ, आज राहुल गांधी जी का अभी कार्यक्रम है भागलपुर, हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों का कार्यक्रम और भी उसके मुंगेर में पूर्णिया में भी कार्यक्रम है, कटिहार में भी कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तारिक अनवर साहब जी के इधर भी प्रचार हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो पूरे गठबंधन के जितने भी नेतागण हैं सभी के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं।